हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस, ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। मैं बैठी हूँ नीचे वाले घर में। गाइस, समरसेबल का सामान आ चुका है। ये पाइप रखे और इसमें कुछ सामान है समरसेबल का, और इसकी पाइप मतलब छोटा वाला भी पाइप आ गया है, बड़े वाले भी आ गए, और एक जो समरसेबल की जो मोटर होती है क्या होता है वो भी आ चुकी है। वो उधर की साइड में रखी है, वो दिख रही है वहाँ पे, वो रखी है। और देखो नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया घर, समर से भी लग नहीं पा रही है। और मैं और फ्रांस जा रहे हैं प्लॉट पे, नए वाले घर में नहाएंगे। हमने बना लिया खाना और यहाँ पे ले लिए कपड़े, खाना और कपड़े लेके जा रहे हैं हम प्लॉट पे। वहीं जा कर नहाएंगे और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होगा जब से आए जब से, एकदम दिमाग खराब होगा। अरे राम, मोटर लग रही है, मोटर चलती नहीं है। तो मैं अभी ताला लगा देती हूँ। मैं ही बंद करके हो जब भी आया कहूँ। अरे दिल में लाइट किधर आ रही है? ए मैया, मैं तो देखती हूँ झटका। तो गाइस, मैं आज इसी वाले घर में नहाने आई हूँ, और मैं रात को यहीं पे रुकूँगी, सुबह को जाऊँगी घर पे। मैं नहा चुकी हूँ और अभी हो गया सोने का टाइम, तो हम सब यहीं पे बेड पे सो रहे हैं। जतिन अपना पढ़ाई कर रहा है, रांसु भी सो रहा है यहीं, और बहुत ही ठंडा लग रहा है घर, एकदम ठंडा ठंडा सा रहता है। और यहाँ पर जतिन की टेबल चेयर पूरा सामान उसका रखा हुआ है, और जतिन के कान्हा जी रखे हुए हैं। बहुत मतलब जतिन इनकी पूजा करता है और बहुत मानता है इनको, और हर समय अपने साथ ही रखता है इनको, कन्हैया जी को। जब आया था ना महाराष्ट्र से, जब भी अपने साथ लेके आया था जहाज़ में बिठा के कान्हा जी को। और अभी आप देख सकते हो रूम की हालत ऐसी हो रही है, क्योंकि अभी अलमारी वगैरह बनी नहीं है, पूरा सामान ऐसे फैला फैला से पड़ा है। तो जब तक अलमारी नहीं बनेगी जब तक पूरा रूम सेट नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे हो जाएगा सेट, अभी व्यवस्था बनती जा रही है। और जितने अभी आया है बाहर की सांकर वगैरह लगा के, गेट वगैरह लगा के, मैंने ताला लगा दे बाहर का, क्योंकि हम ताला लगा देते हैं रात को, खुला नहीं छोड़ते हैं। और जतिन बोल रहा है कि मैं रूम की लाइट बंद कर रहा हूँ। तो गाइस, रूम की लाइट बंद हो चुकी है, और मैं आप सभी को मिलूँगी सुबह घर जाके। अभी रात को हम यहीं सोएंगे, सुबह घर जाएंगे। घर जाके हम चढ़ाएंगे टंकी ऊपर छत पे, जो कि हमने न्यू खरीदी है। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ और न्यू टंकी चढ़ा रहे हैं ऊपर छत पे, और आप देख सकते हो कैसे कैसे टंकी को चढ़ाया जा रहा है। पहले वाली जो टंकी थी उसमें बंदर ने पॉटी वगैरह कर दी थी और ढक्कन वगैरह उसका खो गया था, अब कुछ पुरानी भी हो गई थी। तो अभी हम नई टंकी लगा रहे हैं पानी के लिए, और समर सिविल का भी घर पे काम चल रहा है। आप देख सकते हो हमारा घर कितना गंदा पड़ा हुआ है।
क्या सुना है वो बर्तन वर्तन मांझने के सामान है? हाथ धो लो। गाइस यहाँ पे लगी थी समर सेविल, पूरा लेंटर तोड़ना पड़ा, ऊपर छत का लेंटर टूटा है। अभी यहाँ पे काम होगा, सीमेंट वगैरह कराई जाएगी, यहाँ कट्टा वगैरह पड़े, पूरा सामान फैला पड़ा है। हम यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि कल हमारे यहाँ हवन है, इसीलिए हम साफ सफाई कर रहे हैं। प्रांशु लेके जा रहा है, मैंने बाल्टी भर दी है। गाइस हमारे यहाँ आज बारिश आई और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। अभी थोड़ी देर ब्रेक कर दिया हमने, इतनी सारी बारिश चलेगी। ये मंगाया समरसेबल का पाइप और हमारे यहाँ नाश्ता बन चुका है, चाय पकौड़ी बन गई है, सबने खा ली। गाइस हमने कर दी धुलाई यहाँ पे, थोड़ी सी लाइट आई, धुलाई कर दी हमने, घर चमक गया। बर्तन रह गए मांजने के लिए, किचन का हिस्सा रह गया साफ करने के लिए, बर्तन पड़े हुए इनको हम करेंगे बाद में। ड्रम हमने यहाँ पे लगा दिया, अभी टंकी फिट नहीं हुई, टंकी हमने ऊपर चढ़ा दी है, इसमें पानी भर लेंगे और यहाँ बाथरूम में नहाने के लिए व्यवस्था बन चुकी है। जा नीचे दोनों, जा नीचे, मैं आ रही हूँ। और यहाँ पे पूरी धुलाई कर दी और जीना की भी कर दी, जो ऊपर छत का जीना है ना, छत रह गया और रूम रह गया है ऊपर धोने के लिए। धो गाइस, पहले कैसा लग रहा था अब कैसा लग रहा है, धीरे धीरे मतलब डेली होगी ना सफाई, अच्छा हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं नीचे सफाई करने के लिए, चलते हैं फिर। चलो बालक नीचे, चलो चलो भाई चलो। पाइप ले पैसे, तू मेरे पास मोबाइल है, वहां रखो, जीना में, जीना में रखो, जीना में ना, बाथरूम में रहता मैंने, बाथरूम में तो लिया। और वो लिए पोछा, पोछा ना लानो ना, पोछा लानो। अच्छा हाँ, पाइप लानो है, मतलब झाड़ू से कर दो, ये मट्टी है ना, इसमें मट्टी में रेता में पानी छोड़ा वहां पर। प्रांशु आ जाओ, तू प्रांशु भी पकड़ आओ, तुम मत अकेले खींचो, मतलब निकाल के ना थोड़ी झाड़ उठा, मैं तो लेता हूं उठा प्रांशु, रुक जा मैं भी आ रही हूं, रुक जा तुम हमारी वीडियो बना, चलो चालू है ऐसे रखना। तू यहां तो डाला है, यहां तो डाला है, हां ना उठा कर दे।
ऊपर उठाना है, चढ़ाना है, उठा तेरा भैया के संग एक दांगो लगा दो, एक लग जाएगा ना, छोटा वाला लगाओ, झाड़ू 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 भैया के संग एक लगा दो, ना छोटा कर खुल गई है, कोई बात ना, मोपालू कर दो, खड़ा कर दो, खड़ा कर दो, ये के संग खड़ा कर दो, खड़ा करो, बात माना, अब दिख रहे होंगे, बस, नीचे तो था, खड़ा करो, अरे खड़ा करो यार, सर नीचे, नीचे खड़ा करो, नीचे कहीं खड़ा करो, अबे धागो लगा लगा, अरे यार, छोड़ दे यार, यार किस यार यहाँ पे धागा लगा, अरे, बस सही है, तू रुक जाओ यहीं से, मोबाइल दे मोबाइल ठीक है ना, बात को बतंगड़ा के बना दे दो, तुम छोटी सी बात है बड़ी बना दे दो, ज्यादा बदन फजन कोई मत उठा, उठा चना उठा, काम हो चना हो, नेक तो दिक्कत आएगी ना, फिर दिक्कत आ जाएगी, मिस्त्री विस्त्री आंगन बढ़ भैया ने गीला है, वो उठ रहा है उनका, हट रहे हट जा हट जा, अब यार कट्टा यहाँ पे लगा दूँ नीचे, तू सही पैर पड़ रहा है, कट्टा लगा ये उठानो ना, ये सरकान हो, सरकान हो, तू उठ उठ बड़ा रेस्ट हुआ सके, धक्का मार पीछे दे, बस धक्का मार, थोड़ा सा उठवाइए, बस उठवाइए थोड़ा सा, ना सही उठवा मत सरकाओ, बस 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 कर लो, बस कूड़े निकाल दे, शिकार आ रहा है, रुक जा अकेले ना अकेले, तू कहा करो या करता हुआ, अरे बता दे हल्ला के मचा रहे, बाल आ गए तेरी इनमें, वो ना ज्ञान वाली बात ना है, हाँ सरकाओ ऐसे सरकाओ, हाँ अब लगाओ धीरे धीरे आराम से, सरका नो बस सरका कर, मैं आऊं अब झाड़ू फूल झाड़ू मंगाऊं, पते फूल झाड़ू ना गीले जाएगी, तो कचरा की बाल्टी कितो को एक साइड में रखो, लान काट दे
बोरी गंदी है रे। धूल आ रही है, अरे धूल आ रही तो मैं जो काम है जाओ ले जा ले लियो तक ढाटा मार लिया थे ले ढाटा मारो भाग जा बाहर। गाइस इतनी सफाई हो चुकी है, इतना सारा कचरा निकला।